नमस्कार दोस्तों, स्वागत है YouTube के हमारे इस चैनल निमाई गुप्ता आर्ट क्लास पर। दोस्तों, आज हम भारत के महत्वपूर्ण झीलों के बारे में पढ़ेंगे। तो जल से भरे हुए गड्ढों को झील कहते हैं। यह तालाब का बड़ा रूप होता है। जल का वह स्थिर भाग जो चारों तरफ से भूमि से घिरा हो, झील कहलाता है। झील छोटे बड़े कई आकार के हो सकते हैं। झीलों को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे उत्तराखंड पर्वतीय क्षेत्रों में ताल कहा जाता है, नैनीताल, भीमताल, राकसताल, समताल आदि। और हमारे केरल में कयाल कहा जाता है, और इसलिए केरल को कयाल स्टेट भी कहा जाता है। और पूर्वी तटों में लैगून या अनूप कहा जाता है। और झील के कई सारे प्रकार हैं। पृथ्वी के धरातल के आधार पर कई प्रकार की झीलें पाई जाती हैं। एक दूसरे से आकार लक्षण में भिन्नता पाई जाती है। कुछ स्थाई, कुछ अस्थाई, कुछ का जल खारा होता है तो कुछ का जल मीठा होता है। कुछ प्रकृति द्वारा बनते हैं तो कुछ मानव द्वारा बनाए जाते हैं। तो प्रमुख प्रकारों को देख लेते हैं। पहला, मीठे पानी की झील। स्वाद अनुसार इसमें मीठे पानी पाए जाते हैं। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील उलर झील है। और खारे पानी की झील सांभर झील राजस्थान में भारत का सबसे बड़ा खारे पानी की झील है। और नेक्स्ट है हिमनदीय झीलें। यह हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ पिघलने के कारण बनती है हिमनदीय झीलें। नेक्स्ट है कृत्रिम झीलें या मानव निर्मित झीलें। इन झीलों को मानव द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा ज्वालामुखी झीलें। इसमें ज्वालामुखी के ठंडा होने के बाद उसके मुंह में जो गर्द बनता है, बरसात के दिनों में उसमें पानी भर जाता है, वही झील का रूप ले लेता है और उनको ज्वालामुखी झीलें कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा गोखुर झीलें। ये गोखुर झीलें नदी से अलग शेप गोखुर के समान होती है। नदी से अलग होके गोखुर झीलें बनती है। नेक्स्ट हमारा है लैगून झीलें। समुद्र तट पर बनती है और यह प्रायः खारे पानी की झीलें होती है। समुद्र तट में बनी होती है ये लैगून झीलें। और नेक्स्ट है विवर्तनिक झीलें। धरातलीय दरारों एवं भ्रंश के अंदर जल भरने कारण ये झीलें बनती है। नेक्स्ट हमारा वायुड झीलें। वायु के तीव्र बहाव या चक्रवात या तूफान के कारण कुछ मैदानी भागों पर गर्त बन जाते हैं और कालांतर में इसमें पानी भर जाता है और ये झील का रूप ले लेती हैं। इनको वायुड झीलें कहा जाता है। हमारा नक्शा कंप्लीट हो चुका ना, अब आते हैं प्रमुख झीलों पर। तो सबसे पहले स्टार्ट उत्तराखंड से करते हैं। उत्तराखंड झीलों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है एवं पर्यटन स्थलों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। उत्तराखंड में नैनीताल बहुत ही फेमस है और यहाँ बहुत सारे झील हैं उत्तराखंड में। ये है नैनीताल। नैनीताल बर्फ निर्मित झील है। और सात ताल, भीमताल, सात ताल, भीमताल, खुरपा ताल, नौपुछिया ताल, समताल, मानस ताल, रूपकुंड झील रहस्यमयी कंकाल मिलने के कारण यह भी बहुत ही प्रसिद्ध है। रूपकुंड 15-20 नर कंकाल इसमें मिले थे रूपकुंड झील में उत्तराखंड में। और दोस्तों, उत्तराखंड पर्वतीय क्षेत्रों में झील को ताल कहा जाता है। तो ये हैं उत्तराखंड के प्रमुख झील, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। रूपकुंड, नरकंकाल यहाँ पर मिला था इसलिए बहुत ही
प्रसिद्ध झील है रूपकुंड झील, और नेक्स्ट है हमारा खुरपाताल। ये थे प्रमुख उत्तराखंड के झीलें। अब नेक्स्ट आते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में एक झील है, फुलहड़ झील। अब नेक्स्ट आते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में एक झील है रेणुका झील। ये हो गया हमारा हिमाचल प्रदेश, और झील है रेणुका झील। इम्पोर्टेंट है ये, हिमाचल प्रदेश में रेणुका, हिमाचल की रेणुका इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं ये जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। जम्मू कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ बहुत ही सुंदर सुंदर झीलें हैं। उलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है उलर झील, इम्पोर्टेंट है ये। और बहुत सारे झील हैं, डल झील, नागिन झील, शेषनाग, मानस बल, अच्छा बल, गंधार बल। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर में सारे नाग नागिन हैं, इसलिए यहाँ पर मानस बल, अच्छा बल, गंधार बल भी स्थित हैं। तो इसको आप ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं, सारे नाग नागिन, शेष नाग सब जम्मू कश्मीर में हैं, और मानस बल, अच्छा बल, गंधार बल ये बल भी जम्मू कश्मीर में स्थित हैं, और उलर झील भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी वाली झील उलर झील श्रीनगर में है जम्मू कश्मीर के, इम्पोर्टेंट है ये, कई परीक्षाओं में इसको पूछा गया है उलर झील। डल झील भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब नेक्स्ट चंडीगढ़ में हमारा सुखना झील, सुखना झील चंडीगढ़। ये हो गया हमारा चंडीगढ़, यहाँ पर है सुखना झील। अब राजस्थान में आते हैं। राजस्थान में बहुत सारे झील हैं, राजस्थान भी झील के लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ पर खारे पानी की झील सांभर झील, भारत का सबसे बड़ा खारे पानी की झील सांभर झील, डिंडवाना झील, पंचभद्रा झील, लूनकरण सात, नमक के लिए फेमस है यह झील लूनकरण सात झील। और नेक्स्ट है राजसमंद झील, ये सब राजस्थान में है, लूनकरण सात झील। तो ये राजस्थान में प्रसिद्ध सांभर झील इम्पोर्टेंट है, खारे पानी का सबसे बड़ा झील। अब आगे आते हैं गुजरात में। राजस्थान के नीचे गुजरात, गुजरात में है नल सरोवर, गुजरात का एक प्रसिद्ध झील है ये नल सरोवर, नल सरोवर झील गुजरात। अब आते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में एक प्रसिद्ध झील है भोज ताल। राजा भोज भोज ताल का निर्माण करवाए थे, यह एक बहुत बड़ा झील है। अब आते हैं महाराष्ट्र पर। महाराष्ट्र पर एक ज्वालामुखी झील है लोनार झील। यह झील ज्वालामुखी के ठंडा होने के बाद इसके मुंह में पानी भर जाने के कारण यह झील बना हुआ है लोनार झील, ज्वालामुखी क्रेटर झील, इम्पोर्टेंट है ये, महाराष्ट्र में है लोनार झील, ज्वालामुखी क्रेटर झील। अब आगे बढ़ते हैं, ये हमारा तेलंगाना।
तेलंगाना में है हुसैन सागर, हुसैन सागर झील तेलंगाना, यह भी महत्वपूर्ण है। हुसैन सागर कहाँ पर है? तेलंगाना में। अब नेक्स्ट आते हैं, ये हमारा उड़ीसा में है चिल्का झील, इसको लैगून या अनूप कहा जाता है। पूरी क्षेत्र पर झीलों को लैगून या अनूप कहा जाता है। चिल्का झील उड़ीसा। अब आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं पश्चिम तटीय केरल क्षेत्र पर। दोस्तों केरल में झील को कयाल कहा जाता है और केरल को कयाल स्टेट भी कहा जाता है। केरल में हमारा वेम्बनाड झील और अष्टमुदी झील, ये दोनों केरल में है, वेम्बनाड और अष्टमुदी। सबसे लंबा झील है वेम्बनाड झील, केरल का सबसे लंबा झील, यह लैगून या कयाल झील कहलाते हैं। भारत का सबसे लंबा झील वेम्बनाड झील केरल में है। दोस्तों केरल राज्य का नक्शा भी लंबा है, तो केरल में वेम्बनाड भारत का सबसे लंबा झील स्थित है, इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। अब आते हैं तमिलनाडु पर। तमिलनाडु पर है कोडाई कनाल, यह एक कृत्रिम झील है, इसको बनाया गया था, कोडाई कनाल तमिलनाडु, तमिलनाडु में कोडाई कनाल झील महत्वपूर्ण है ये। अब आते हैं और एक है हमारा आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में भी एक झील है आंध्र, ये हो गया हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में है कोलेरू झील, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में है कोलेरू झील, महत्वपूर्ण है ये भी। और पुलिकट झील, ये भी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में है, पुलिकट झील, इसको आंध्र प्रदेश में लिया जाता है, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश। अब हमारे पूर्वी भारत पर एक नज़र डालते हैं। मणिपुर में है लोकटक झील, पूर्वी भारत का सबसे बड़ा झील लोकटक झील मणिपुर में है। तो दोस्तों ये था भारत के प्रमुख झील। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।